हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम 27 फरवरी 2019 के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स की बात करेंगे। जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द न्यू ऑर्डर इन वेस्ट एशिया। ये हिंदू के एडिटोरियल पेज पे आया हुआ आर्टिकल है। आप इसको जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ क्लब करके स्टडी कर सकते हैं। इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट की बात करें तो ये जो आर्टिकल है ये अरब रीजन में जो करंट जियोपॉलिटिक्स है उसको डिस्कस कर रहा है, और उसके साथ साथ में ये आर्टिकल के अंदर जो इम्पोर्टेंट स्टफ है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है अरब स्प्रिंग, रिजल्ट ऑफ अरब स्प्रिंग, सऊदी ईरान राइवलरी इन मिडल ईस्ट, और जो टर्की की अभी रीओरिएंटेशन चल रही है जिसमें टर्की अपना यूरोप के ऊपर फोकस छोड़कर अब वापस अपना फोकस मिडल ईस्ट की तरफ कर रहा है अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ अर्डोगन। ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। आगे चलने से पहले इस आर्टिकल के बाहर की थोड़ी सी चीज़ देख लेते हैं कि अरब स्प्रिंग है क्या चीज़। अरब स्प्रिंग 2010 के आसपास चालू हुआ था, और ये जो अरब स्प्रिंग है ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हैं, अपराइजिंग है और आर्म रिबेलियन है जो बहुत सारे अरब कंट्रीज़ में 2010 के आसपास देखा गया था। बेसिकली इन कंट्रीज़ में उस समय पर ऑप्रेसिव गवर्नमेंट रिजीम्स थी, कहीं पे डिक्टेटरशिप थी, कहीं पे बहुत ही ऑप्रेसिव गवर्नमेंट थी, जिसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत पुअर था, और इसकी वजह से ट्यूनिशिया से ये सारी चीज़ सारी की सारी जो अपोजिशन है एजिटेशन ये चालू हुई थी, जिसको लोगों ने अरब स्प्रिंग का नाम दिया था। जो ट्यूनिशिया में जो रिवोल्यूशन चालू हुआ, जैस्मिन रिवोल्यूशन चालू हुआ, वो ग्रेजुअली 5 दूसरी कंट्रीज़ में फैल गया, जिसका नाम था लीबिया, इजिप्ट, यमन, सीरिया एंड बहरीन। इन 5 कंट्रीज़ के अंदर और ट्यूनिशिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जो उस टाइम जो डिक्टेटरशिप थी उसको टॉपल कर दिया गया, उसको गिरा दिया गया, और मेजर अपराइजिंग हुई हैं वहाँ पर, सोशल वायलेंस हुआ है वहाँ पर, रायट्स हुआ है, सिविल वॉर हुआ है और इंसर्जेंसी हुआ है। सो इस तरीके के जितने भी इवेंट्स हैं ऑल दिस वर टेकिंग प्लेस इन द नेम ऑफ अरब स्प्रिंग। ऐसा नहीं कि ये 5-6 कंट्रीज़ ही अफेक्ट हुई हैं, बहुत सारी अरेबियन कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, लेबनन, जॉर्डन, कुवैत, ओमान एंड सूडान, ऑल सच कंट्रीज़ वर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अरब स्प्रिंग। ऑलराइट, नाउ बहुत सारे डिक्टेटर्स हैं जो अरब स्प्रिंग की वजह से अपनी डिक्टेटरशिप जिनको छोड़नी पड़ी, जैसे कि ज़िने अल अबिदीन बेन अली ऑफ ट्यूनिशिया, देन हॉस्नी मुबारक ऑफ इजिप्ट, और कहीं ना कहीं पे ये भी देखा जा सकता है जो सद्दाम हुसैन का गिराने का था वो भी तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इराक में डेमोक्रेसी के नाम पे जो सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने गिराया। बट जो 2010 के बाद जो इम्पोर्टेंट डिक्टेटरशिप की टॉपल हुई है वो है हॉस्नी मुबारक ऑफ इजिप्ट, ऑलराइट, देन ज़िने अल अबिदीन बेन अली ऑफ ट्यूनिशिया, ऑलराइट, और अपना गद्दाफी ऑफ लीबिया, ऑल दिस वर टॉपल डाउन इन द नेम ऑफ अरब स्प्रिंग। चलिए अब थोड़ा सा अरब हिस्ट्री या फिर मिडल ईस्ट हिस्ट्री या वेस्ट एशियन हिस्ट्री के बारे में बात करें। तो देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का जो भी समय था वहाँ पर, नॉट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जो इनफैक्ट 19th century का बिगनिंग था, तब तक ओटोमन एम्पायर का टर्की, यूरोप से लेकर टर्की, टर्की से लेकर वेस्ट एशिया पे जो इन्फ्लुएंस था दैट वाज ऑफ ओटोमन सुल्तान। बट ग्रेजुअली क्या हुआ, जैसे ही यूरोप में जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो था वो जब यूरोप का चेंज हुआ, तो ओटोमन सुल्तान्स ने लेटर हाफ ऑफ 19th century में अपना फोकस वेस्ट से ईस्ट से उठाकर वेस्ट में लगा दिया। मतलब आपने मिडल ईस्ट या जिसको अगर आप वेस्ट एशिया बोलेंगे उसके ऊपर ओटोमन सुल्तान्स का फोकस कम हो गया, और उन्होंने ज़्यादा कंसंट्रेट करना चालू कर दिया यूरोप के ऊपर, क्योंकि ओटोमन सुल्तान की ग्रिप से ये वाला रीजन रिलीज हो गया, उसकी वजह से उनका जो इन्फ्लुएंस था ओटोमन्स का अरब रीजन के अंदर वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहा। ये जो इन्फ्लुएंस था ओटोमन एम्पायर्स का, उसके डिक्रीज होने की वजह से एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ जिसको फिल करने के लिए बहुत सारे रीजनल और लोकल लीडर्स अराइज हुए। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद अली ऑफ इजिप्ट, द हैशमाइट ऑफ सेंट्रल अरेबिया एंड मेडिटेरेनियन रीजन, एंड द अल साउथ फैमिली ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। ये जो ओटोमन एम्पायर के इन्फ्लुएंस के बाद में ये जो 3 नई फैमिलीज अराइज हुई, इनकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो सिनेरियो था वेस्ट एशिया में वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। इजिप्ट एक बहुत ही बड़ी इन्फ्लुएंशियल कंट्री बन के सामने आया अरब इन द अरब रीजन। हैशमाइट किंगडम जो जॉर्डन का किंगडम था उसने अपना इन्फ्लुएंस रखा मेडिटेरेनियन रीजन में, और सऊदी अरेबिया कन्फाइंड इटसेल्फ टू अरेबियन पेनिनसुला। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से इस पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स चेंज हुई है। जैसे 1967 में जब अरब्स ने इसराइल के ऊपर वॉर किया,
तो जॉर्डन और इजिप्ट फेस्ड अ वेरी ह्यूमिलेटिंग डिफीट एट द हैंड्स ऑफ इसराइल, जिसकी वजह से जॉर्डन और इजिप्ट का जो इन्फ्लुएंस था वो इस रीजन में डिक्रीज होता रहा और इराक अंडर द लीडरशिप ऑफ बाथिस्ट कंटिन्यू टू राइज। सद्दाम हुसैन इराक के प्रेसिडेंट बने 1979 में और उन्होंने जो गमाल अब्दुल नासर जो फॉर्मर इजिप्शियन लीडर थे जिन्होंने पैन अरेबियनिज्म का आइडिया दिया था, मतलब पूरा अरब एक साथ यूनाइटेड रहेगा, उसका जो आइडिया दिया था उसको सद्दाम हुसैन ने पुश किया आगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हुसैन ने एक रिवोल्यूशनरी वॉर छेड़ी थी 1980 में अगेंस्ट ऑन ईरान ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द अरब कंट्रीज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर अटैक किया और फाइनली 2003 में अमेरिकन इन्वेजन ने इराक में सद्दाम हुसैन की जो तानाशाही थी, डिक्टेटरशिप थी, उसको उसका सर्वनाश किया। ऑलराइट, अगर आप इंट्रा अरब रिलेशंस की बात करें तो देखिए जो इंट्रा अरब रिलेशंस है वो इस प्रकार से हैं कि उनके जो डिफरेंट अरेबियन स्टेट्स हैं, डिफरेंट अरेबियन फैमिलीज हैं, उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा डीप राइवलरी है, लेकिन वो सब एक ही पॉइंट पर आके कन्वर्ज कर जाते हैं कि कोई भी मोनार्क या कोई भी डिक्टेटर अरब वर्ल्ड में अपनी हाथ से किसी भी प्रकार से पावर नहीं जाने देना चाहता और हर एक मोनार्क की यही कोशिश रहती है कि पूरे अरेबियन रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। ऑलराइट, नाउ बेसिकली जो अरब स्प्रिंग है उसने जो पॉलिटिकल ऑर्डर में चेंज लाने की कोशिश करी, ये जो चेंजेस आए इट स्टार्टेड मच इवन बिफोर द 2010 द ईयर व्हेन अरब स्प्रिंग टुक प्लेस। फॉर एग्जांपल जो सद्दाम हुसैन थे उन्होंने नॉन अग्रेशन बिटवीन अरब कंट्रीज, जिसको पैन अरेबिज्म बोलते हैं, उसको खुद ने पहले तो वो उसको फेवर करते थे, बाद में उन्होंने खुद ने इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि इराक ने 1990 में कुवैत को अटैक किया डिस्पाइट द फैक्ट दैट बोथ ऑफ द कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ पैन अरेबिज्म। चलिए अब बात करते हैं कि अरब स्प्रिंग के बाद में मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स किस प्रकार से चेंज हुई है। देखिए, सबने एक्सपेक्ट किया था कि जो अरब है वो अरब स्प्रिंग के बाद में काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा, बट इस प्रकार से नहीं चेंज हुआ जिस प्रकार से लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि अरब स्प्रिंग के बाद ये रीजन बहुत ही प्रॉस्पेरिटी से भरा होगा। नथिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंड। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि इजिप्ट में क्या चेंजेस आए हैं। देखिए, इजिप्ट 2011 के बाद में एक बहुत ही लंबे पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी से गुजरा है। पहले वहाँ पे एक रिवॉल्यूशन आया जिसने होस्नी मुबारक की सरकार गिराई। होस्नी मुबारक डिक्टेटर थे जो पैन अरेबिज्म का आइडिया फॉलो करते थे। उनको हराने में मुस्लिम ब्रदरहुड ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। जब मुस्लिम ब्रदरहुड विक्टोरियस फैक्शन बने तो मोहम्मद मोरसी ने वहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड की गवर्नमेंट सेटअप करी और मोहम्मद मोरसी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक काउंटर रिवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ इजिप्ट के अंदर, जहाँ पर जो मिलिट्री लीडर थे अब्दुल फतेह अल सीसी, उन्होंने मोहम्मद मोरसी की गवर्नमेंट को फॉल डाउन किया विद सऊदी सपोर्ट। ऑलराइट, सो अभी जो करंट सिनेरियो है वो ये है कि अब्दुल फतेह अल सीसी इजिप्ट के प्रेसिडेंट बन गए हैं, जिन्होंने मोहम्मद मोरसी के मुस्लिम ब्रदरहुड को इजिप्ट में हराया। ऑलराइट, लेकिन इन सब प्रोसेसेस से गुजरने के बाद 2011 के बाद से जो भी इजिप्ट की सिचुएशन हुई है वो इस प्रकार से है कि गवर्नमेंट की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लीटली लॉस्ट हो गई है, बिल्कुल खो गई है मॉरल अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि जो अब्दुल फतेह एल सी सी जो हैं वो बहुत ही वीक लीडर हैं, वो इज सर्वाइविंग ऑन द मर्सी ऑफ सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इजिप्ट है, क्योंकि उसके जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे अब वो पावर में नहीं हैं, इसकी वजह से जो इजिप्ट की रीजनल स्टैंडिंग है वो भी काफ़ी हद तक वीक हो गई है, एंड इजिप्ट इज़ कंटिन्यूसली अंडरगोइंग वी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से जो फतेह अल सीसी साहब हैं ही इज़ कंटिन्यूसली बेगिंग बिफोर सऊदी अरेबिया एंड यूएई, एंड इट वॉन्ट बी रॉन्ग टू से कि जो इजिप्ट है इट इज़ राइट नाउ सर्वाइविंग ऑन द मर्सी ऑफ सऊदी यूएई एक्सेस। अब सऊदी अरेबिया की बात करें तो देखिए, सऊदी अरेबिया एज सच कोई भी स्ट्रॉन्ग चैलेंज फेस नहीं करता इन मिडल ईस्ट। ऑलराइट, उन्होंने एक मैसिव अरब समिट, लेकिन अब क्या है, ग्रेजुअली जो सऊदी अरेबिया ये जियोपॉलिटिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट पोजीशन लेना चाहता है मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स के अंदर, एंड उन्होंने अभी रिसेंटली मई 2017 में एक मैसिव अरब समिट करवाया था इन रियाद इन 2017, जिसमें इवन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी पार्टिसिपेशन किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो सऊदी अरेबिया हैं, उन्होंने अरब नेशंस को साथ में इकट्ठा करके एक अरब नाटो की स्थापना करी, एंड दिस अरब नाटो
इज नोन एज मिडल ईस्ट सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक अलायंस, और ये जो मेजा है इट इज गोइंग टू फाइट द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियोलॉजिकल राइवल ऑफ सऊदी अरेबिया इन दिस रीजन दैट इज ईरान. सो बेसिकली सऊदी अरेबिया दूसरी अरब कंट्रीज के साथ मिलकर एक मेजा की स्थापना करता है, मिडल ईस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस, और ये सारी की सारी कंट्रीज काम कर रही हैं एक साथ मिलकर कि जो ईरान है उसका इन्फ्लुएंस इस रीजन में फैलने से रोका जाए. देखिए आज की डेट में जो मिडल ईस्ट है, जो वेस्टर्न एशिया है, इट इज़ अ मल्टीपोलर कंट्री. ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल नॉट मल्टीपोलर कंट्री, इट इज़ मल्टीपोलर वर्ल्ड. जो रियाद है उसने अरब कंट्रीज के अंदर, रियाद मतलब सऊदी अरेबिया ने अरब कंट्रीज के अंदर अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड को काफ़ी मजबूत कर लिया है. लेकिन ईरान आफ्टर द 1979 रिवॉल्यूशन, जिसमें शाह ऑफ ईरान को खोमेनी के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने टॉपल किया था, उसके बाद ईरान भी इस रीजन में कंटिन्यूसली अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाता जा रहा है. ऑलराइट, और अभी जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पोल इस रीजन में क्रॉप अप हो रहा है वो हो रहा है टर्की के फॉर्म में. टर्की अंडर द लीडरशिप ऑफ रिसेप तैयब अर्डोगन, जो कि टर्की के प्रेसिडेंट हैं, उसके अंदर टर्की इज़ रीओरिएंटिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी. टर्की अभी बहुत ज़्यादा हद तक फोकस कर रहा था इन द पास्ट ऑन द जियोपॉलिटिक्स ऑफ यूरोप, लेकिन अब टर्की रियलाइज कर रहा है दैट नाउ इट इज़ द टाइम दैट टर्की शुड प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन वेस्ट एशिया. और इस वजह से टर्की अपनी पूरी की पूरी जियोपॉलिटिकल पॉलिसी को रिफॉर्म करके, रीओरिएंट करके अब सेंट्रल एशिया, सॉरी वेस्टर्न एशिया या फिर मिडल ईस्ट के ऊपर फोकस कर रहा है रेदर देन यूरोप. सो एक तरीके से देखा जाए जो मिडल ईस्ट है वो आज की डेट में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है, जिसमें ईरान, सऊदी अरेबिया एंड टर्की, दे आर द थ्री प्रोमिनेंट पोल्स, एंड दिस मल्टीपोलरिटी ऑफ दिस रीजन विल प्ले अ की रोल इन शेपिंग द जियोपॉलिटिक्स ऑफ दिस मिडल ईस्ट. दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल दैट आई वॉन्टेड टू डिस्कस यू. और ये आर्टिकल बहुत ही बढ़िया पिक्चर प्रेजेंट करता है, बहुत ही डिटेल पिक्चर प्रेजेंट करता है अबाउट द क्राइसिस दैट इज हैपनिंग इन मिडल ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. ऑल राइट, चलिए जो दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है स्मार्ट फार्मिंग इन अ वार्म वर्ल्ड. ये हिंदू के एडिटोरियल पेज से लिया हुआ आर्टिकल है, आप इसको जनरल स्टडीज पेपर 3 क्लाइमेट चेंज एंड फार्मिंग के साथ एसोसिएट करके स्टडी कर सकते हैं. इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट की बात करें तो इस आर्टिकल में साफ साफ ये चीज़ स्टैब्लिश कर रखी है कि देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से एक बहुत ही हैवी प्राइस पे करना पड़ रहा है फार्मिंग को और फार्मिंग कम्युनिटी को. इंडिया के अंदर बहुत सारे विलेजेस जो हैं वो डीपॉपुलेशन फेस कर रहे हैं, और इस आर्टिकल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी ली गई है, और वो केस स्टडी है बुंदेलखंड रीजन की. चलिए आगे देखते हैं, क्लाइमेट चेंज टॉल ऑन बुंदेलखंड, अ केस स्टडी ऑन एनवायरमेंटल डायमेंशन. अगर कल सवाल आ जाता है आपके पास एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन फार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज इफेक्ट ऑन फार्मिंग, आपको ये केस स्टडीज एज इट इज़ अपने आंसर में यूज़ करनी है, जिससे आपके आंसर की क्वालिटेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, जिससे आपके मार्क्स भी एम्पलीफाई हो जाएंगे. और ये जो केस स्टडी है ये है बुंदेलखंड रीजन की. देखिए जो बुंदेलखंड रीजन है ये रीजन पार्टली उत्तर प्रदेश और पार्टली मध्य प्रदेश में बिलोंग करता है, एंड इट इज़ द वन दैट हैज बीन मोस्टली अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज. कुछ साल पहले तक, आज से 10 साल पहले की अगर बात करें, तो इस रीजन में एनुअली 800 से 900 मिलीमीटर की रेनफॉल होती थी, बट पिछले 7 साल में ये रेनफॉल ऑलमोस्ट 50% से रिड्यूस हो गई है. आज की डेट में यहाँ पे 400 से 450 मिलीमीटर की रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है, जिसकी वजह से जो गाय भैंस का चारा है वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो रही है. लाइफ स्टॉक को भी लोग बाग हैंडल नहीं कर पा रहे. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अभी रिसेंट ट्रेंड देखा जाए तो पूरे मानसून सीजन में, जो 3 महीने का मानसून का पीरियड होता है, उसमें हार्डली 24 दिन किसी भी प्रकार की कोई रेनी एक्टिविटी होती है बुंदेलखंड रीजन में. ऑलराइट, यहाँ पे रेन्स बहुत पैची हैं, जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना बन गया है. किसी भी गांव में आपको ग्रीनरी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से फार्मर्स इवन कैटल को भी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं. अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. फार्मर्स ट्राई करते हैं बाय मिक्सिंग क्रॉप्स अक्रॉस द सीजन, बट अक्रॉस द सीजन एंड अलॉन्ग विद दिस, कई ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने उधार लेकर, बैंक से कर्ज लेकर हैवी इन्वेस्टमेंट किया है बोरवेल ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स के अंदर, बट अल्टीमेटली कोई भी चीज़ इस रीजन में हेल्प नहीं कर पा रही है. एंड अल्टीमेटली द फार्मर्स आर अंडर स्ट्रॉन्ग प्रेशर, जिसकी वजह से वो अपना घर बार, अपनी ज़मीन को छोड़ के आसपास के शहर में जाके एज अ लेबरर काम करने को मजबूर हो गए हैं. अब बात करते हैं उसके स्टडी के बेसिस पे, एक चीज़ क्लियर होती है कि क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड इंडिया बहुत ही वल्नरेबल कंट्री है. तो इंडिया की क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी की बात करें तो देखिए जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 है उसमें इंडिया की 14th पोजीशन है. मतलब दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें इंडिया इज़ द 14th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो इंडिया है
उस बेसिकली 150 मिलियन हेक्टेयर की ऐसी ज़मीन है इंडिया की जो क्लाइमेट चेंज की वजह से डिग्रेड होती जा रही है। एक एस्टिमेट ने तो इवन ये तक कहा है कि आने वाले कुछ टाइम में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं वो 24 से 58% डिक्लाइन विटनेस करेंगे इन देयर फैमिली इनकम और 12 से 33% राइज विल बी देयर इन द हाउस होल्ड पॉवर्टी पर्टिकुलरली इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कम्युनिटी। इंडिया की जो रेनफेड एग्रीकल्चरल रीजन है दैट इज़ अराउंड 67% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया, यानी हम बहुत ही ज़्यादा रेन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और अगर रेन्स के पैटर्न में कोई भी चेंज आया वो हमारे एग्रीकल्चर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। कई ऐसे रिसर्च पब्लिश हुए हैं जो कहते हैं कि 2050 तक इंडिया में जो समर रेन्स है वो 70% से डिक्लाइन कर जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर वो कम्प्लीटली नस्तो नाबूद हो जाएगा, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कई ऐसी स्टडीज सामने आई हैं जो कहती हैं कि आने वाले 80 साल के अंदर हमारा जो खरीफ सीज़न है, जो समर सीज़न क्रॉपिंग सीज़न है, उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 0.7 से 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी एग्रीकल्चरल है खरीफ सीज़न क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर विल बी 22% डिक्लाइन इन वीट यील्ड ड्यूरिंग द रबी सीज़न और जो राइस यील्ड है वो भी कम से कम 15% से डिक्रीज करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी एस्टिमेट किया जा रहा है कि इंडिया में 1880 से लेकर 2013 तक 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिस्ट्रॉयड, 20 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ग्रासलैंड्स एंड श्रबलैंड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। आज की डेट में अर्बनाइजेशन की वजह से इंडिया में ऑलमोस्ट डेली 135 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट विजुअलाइज होता है ऑन एग्रीकल्चर, ऑन एनी अदर एक्टिविटी ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी इंडिया इन सब कारणों की वजह से एक बहुत ही क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री बन चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी देखा गया है कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ बिल्कुल भी कोऑर्डिनेट नहीं करता, जिसकी वजह से एक इंस्टीट्यूशनल अपैथी क्रिएट हो गई है टूवर्ड्स एयर पोल्यूशन, टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, एंड इस वजह से जो गवर्नमेंट मशीनरी है विच इज़ डिवाइस की आप क्लाइमेट चेंज को टैकल करो वो भी फेल होती जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी नाम की एक अथॉरिटी है, एक प्राधिकरण है, जो वो क्या करता है कि किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी फॉरेस्टेड लैंड अगर नॉन फॉरेस्टेड पर्पस के लिए डाइवर्ट करी जाती है तो उतना ही अमाउंट का लैंड या उससे डबल लैंड को वापस से फॉरेस्टेड करना पड़ता है। ऐसी जो प्रावधान है कैंपा का उसको कोई भी स्टेट फुलफिल नहीं कर रहा और जो स्टेट लेवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो दे आर नॉट इवन एबल टू कीप the suitable records that are associated with forest. So forest climate change environment की जो अभी present situation है हमारी country में बहुत ही दयनीय है, जिसकी वजह से हमारी जो environmental या climate change vulnerability है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। अगर कुछ solutions की बात करें तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें conservation farming और dryland agriculture के ऊपर बहुत ही focus करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी country में almost 67% of the agriculture is based on rains. ऑल राइट, दे आर बेस्ड ऑन रेन्स, तो इस वजह से टाइमली रेनफॉल फोरकास्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वेदर बेस्ड फॉर वार्निंग्स रिगार्डिंग द क्रॉप पेस्ट एंड एपिडेमिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी इंडिया की एग्रीकल्चर को क्लाइमेट स्मार्ट या फिर रेजिस्टेंट टू क्लाइमेट चेंज बनाने में। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो करंट फोकस होना चाहिए रिसर्च का, इट शुड बी ऑन प्रोडक्शन ऑफ ड्रॉट टॉलरेंट ब्रीड्स ऑफ द प्लांट दैट कैन रिड्यूस द प्रोडक्शन रिस्क बाय अप टू 50%, ऑल राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी आपको कोशिश करना पड़ेगा कि आप फार्मर्स को पहले से ही बता सकें कि आपको जो प्लांटिंग की डेट्स हैं उसको कितना आगे पीछे करना है, जिसकी वजह से आपके जो प्रोडक्शन डैमेज है वो रिड्यूस हो सके। ऑल राइट, कई ऐसी स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि देखिए कि अगर आप प्लांटिंग की डेट को आगे पीछे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ वेदर दैट इज़ एक्सपेक्टेड इन द अपकमिंग फ्यू मंथ्स, उससे डैमेज को 60 से 75% तक रिड्यूस किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी कंट्री के फार्मर्स हैं वो बहुत ही पुअर फार्मर्स हैं, आपको उन्हें प्रोटेक्शन एक्सटेंड करनी पड़ेगी एंड दैट प्रोटेक्शन कैन बी एक्सटेंडेड इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस एज वेल एज सप्लाई ऑफ क्रेडिट। सारे के सारे क्रॉप्स को आप इंश्योरेंस एक्सटेंड कर दो और जो भी फार्मर्स कोई भी क्रेडिट लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिनिमल रखिए,
All right, so this will help in providing a cushion to India's farmer who is already distressed because of climate change. Apart from that, on-ground implementation of compensatory afforestation भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी कंट्री ने पिछले 120 सालों के अंदर अराउंड 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड और 20 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ग्रासलैंड एंड श्रबलैंड्स डाइवर्ट कर दी फ्रॉम बीइंग फॉरेस्ट बीइंग एग्रीकल्चरल लैंड फ्रॉम बीइंग फॉरेस्ट एंड बीइंग ग्रासलैंड्स इनटू अर्बन टोपोग्राफी. अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया जा रहा है कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है आप उसको रीस्ट्रक्चर करिए क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग से इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को भी बढ़ावा मिलेगा और उसके अलावा आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आप इनको एनवायरमेंटल डोमेन में इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन आर्मी की तरह एनवायरमेंटल वॉरियर्स बना दो. आप इनके ऑफिशियल्स को इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिशियल्स को स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए. अपार्ट फ्रॉम दैट आप स्पेशलाइजेशन के थ्रू इन एरियाज़ के अंदर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म एंड प्रोटेक्शन एक्सटेंड करिए टू द एनवायरमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट जो नए रिक्रूटीज होंगे उनको भी आपको प्रोटेक्शन एक्सटेंड करनी पड़ेगी जिससे वो अपना काम बहुत ही एफिशिएंटली और ओपन माइंडेड तरीके से किया जा सके. अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में किसी दूसरी सर्विसेज के ऑफिसर्स को डेप्यूट मत करिए बिकॉज अगर आप उनको डेप्यूट करते हैं तो वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाते और ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है ये एक्चुअली एक स्पेशलाइज सर्विस है एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दिस एंड वी हैव टू मेक दिस सर्विस इवन मोर स्पेशलाइज. अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ हेरिटेज टाउन्स हैं जैसे कि सवाई माधोपुर हो गया, भरतपुर हो गया, चिकमंगलूर हो गया, जबलपुर हो गया, जो जिनके आसपास कोई नेशनल पार्क या सेंचुरीज हैं आप इनको प्रमोट करिए जिनकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा. लोग मोर एंड मोर अवेयर होंगे कि व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वाइल्ड लाइफ, टूवर्ड्स एनवायरमेंट, टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज. अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसी जो सिटीज़ हैं जो वाइल्ड लाइफ हेरिटेज टाउन्स हैं आप उनको कम्प्लीटली ग्रीन स्मार्ट सिटीज़ बनाइए ताकि एक वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोसेस सेटअप हो सके और ये सिटीज़ मॉडल सोल्यूशन बन सकें फॉर अदर सिटीज़ जिनके थ्रू ग्रीन स्मार्ट सिटीज़ क्रिएट हो सके इंडिया के अंदर. अगर हम अब नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी एंड the effect of climate change on our agriculture can be very easily be seen in the contemporary society. So that is the subject matter of this second article that I wanted to discuss with you. I hope it was a good learning experience for you. Download the summary of these articles from the link given in the description. That's all from my side. Have a great day ahead. Take care. Bye.